यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नेहा वालकर। चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मानेसर 900 एकड़ लैंड स्कैम मामले को लेकर यह बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है, जिसमें अब आरोपी पूर्व आईएएस एलएल तायल ने जमानत याचिका वापस ले ली है। तो तायल के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे फिलहाल वापस ले लिया गया है। आज सीबीआई की तरफ से जवाब फाइल किया जाना था। तो बड़ी खबर इस वक्त की पंचकुला से आ रही है। मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 लोगों पर आरोप लगा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम इसमें शामिल है। मानेसर 900 एकड़ लैंड स्कैम मामला है, जिसमें अब जमानत याचिका को वापस ले लिया गया है। आरोपी पूर्व आईएएस एलएल तायल ने याचिका को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि तायल के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे फिलहाल वापस ले लिया गया है और सीबीआई की तरफ से जवाब फाइल किया जाना था। इसी के साथ आपको बता दें कि 34 आरोपियों का नाम भी इसमें शामिल है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पंचकुला से हमारी संवाददाता शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से जो है ये मानेसर में 900 एकड़ लैंड जो स्कैम का जो मामला है, इसमें जो आज सीबीआई की तरफ से जवाब फाइल किया जाना था, लेकिन ठीक उससे पहले जो इसमें एलएम तायल हैं, जो आईएएस हैं पूर्व, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत जो याचिका है उसको वापस ले लिया। कारण क्या रहा है अभी इसके बारे में खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने पहले जो है कोर्ट में जो याचिका डाली थी, अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन आज जिस तरीके से सीबीआई ने जवाब फाइल करना था, ठीक उससे पहले उन्होंने अपनी जमानत याचिका जो है वापस ले ली। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्यों उन्होंने इस तरीके से वापस ली है, ये देखना अभी बाकी रहेगा। बिल्कुल, तो शशि, क्या कुछ कारण इसके पीछे रहे हैं वो अभी पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन क्या लगता है इस मामले को लेकर परत दर परत अभी खुलासे और हो सकते हैं? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से जो है मानेसर का ये सबसे बड़ा जमीन घोटाला मामला है, इसमें 34 लोगों के खिलाफ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 34 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। और इसमें जो है जिस तरीके से जांच चल रही है, तो जांच में जिस तरीके से परत दर परत जो राज खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों के फंसने की उन पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद भी है। फंसने की उम्मीद है शशि, जिस तरीके से पहले भी आपने बताया, हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कारण है जमानत याचिका के वापिस ली गई है, पता नहीं चल पाए हैं, क्या कारणों का खुलासा हो पाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने वकील के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी जो जमानत याचिका जो वापस ले ली है, तो अभी शाम तक ये हो सकता है कि साफ हो जाए कि क्या कारण रहा है इसके पीछे, कि क्यों उन्होंने वापस ली है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले जमानत याचिका लगाई थी और आज सीबीआई ने अपना जवाब फाइल करना था, लेकिन ठीक उससे पहले अपनी जमानत याचिका वापस लेना, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा एक सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब सीबीआई की तरफ से जवाब फाइल किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही जमानत याचिका को तायल के वकील की तरफ से वापस ले लिया गया है और इसी मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। मानेसर 900 एकड़ लैंड स्कैम का ये मामला है। तो कारण इसके पीछे क्या कुछ रहे हैं, उनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि फरीदाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग के एसीपी दिनेश यादव की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 एईटीओ पर मामला दर्ज किया गया है। तो 4 इंस्पेक्टर और 3 ठेकेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बड़ी कार्रवाई ये सामने आई है। अधिकारियों पर शराब, ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। तो सीएम फ्लाइंग के एसीपी दिनेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की है और इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सामने आ रही हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 एईटीओ पर मामला भी दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि इस मामले के चलते 4 इंस्पेक्टर और 3 ठेकेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो अधिकारियों पर शराब, ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप लगा है कि उनकी शराब ठेकेदारों के साथ मिलीभगत थी और इसी मामले के चलते एसीपी दिनेश की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और आपको बता दें कि एक्साइज डिपार्टमेंट के 2 एईटीओ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 4 इंस्पेक्टर भी, और साथ ही साथ 3 ठेकेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है?
जी नेहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में 2 AETO और 3 से 4 इंस्पेक्टरों पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। इन लोगों का एक पूरा नेटवर्क काम करता था और नेटवर्क इस तरीके से काम करता था कि ठेकेदारों द्वारा जो रकम दी जानी होती थी उस रकम को ना ये अपनी जेबों में रख लेते थे और उनको कच्ची पर्चियों पे आगे दे देते थे। एक साल पूरा होने के बाद उन लोगों का जब ये टेंडर खत्म हो जाता है तो वो लोग यूपी या बिहार के किसी ऐसे नामों से टेंडर लेते थे और उसके बाद वो गायब हो जाते थे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगता था। लेकिन इस बार लगातार इनकी शिकायतें आती रही, उसके बाद मुख्यमंत्री दस्ते ने इसका संज्ञान लिया, उसके बाद इससे छापेमारी करके इन लोगों के खिलाफ सेक्टर 12 थाने में मुकदमा दर्ज कराया। छापेमारी भी की गई है, ठेकेदारों पर मामला दर्ज किया गया है, मिली भगत का भी आरोप लगा है, क्या लगता है और खुलासे भी इस मामले के चलते हो सकते हैं? जी, अगर हम और खुलासे की बात करें तो इसमें ऊपर के अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका नाम लेने से विभाग के अधिकारी अभी थोड़ा डर रहे हैं या कतरा रहे हैं या फिर किसी और कारण से वो लोग थोड़े पीछे हट रहे हैं, जो नाम नहीं लेना चाहते। जांच में अभी बहुत सारी मछलियां पकड़नी बाकी है। तो संजय, मान लिया जाए कि और अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस मामले में? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जब इसकी पूरी जांच होगी तो जब इसकी परतें उधेड़ी जाएंगी तो इसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे जो कि पहले भी घोटालों में शामिल रहे हैं। चलिए, तो बड़े अधिकारियों के नाम भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों पर शराब ठेकेदारों से मिली भगत का भी आरोप लगा है और आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग के ACP दिनेश यादव की बड़ी कार्रवाई हुई है और इसी मामले में और भी खुलासे अभी हो सकते हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो कि अंबाला से आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर हरियाणा में एडमिशन के लिए मिल रहे फॉर्म पर अब बवाल हो रहा है। एडमिशन MIS फॉर्म में 100 कॉलम है, जिसके चलते अब अभिभावकों को कॉलम से परेशानी हो रही है और इन्हीं 100 कॉलम का विरोध लगातार अभिभावक करते नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार के एडमिशन फॉर्म को लेकर राजनीति भी अब लगातार गरमाने लगी है और विपक्ष ने बताया है कि सरकार की गलती है, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर 100 कॉलम के फॉर्म पर अभिभावक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ बैंक डिटेल, पैन समेत कई जानकारी देने का भी आग्रह किया गया है। तो राजनीति भी इस मामले को लेकर गरमा रही है। एडमिशन के MIS फॉर्म में 100 कॉलम है, जिन कॉलम्स का अभिभावक विरोध कर रहे हैं। तो इसी खबर पर परवीन अचरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एडमिशन के MIS फॉर्म को लेकर लगातार बवाल हो रहा है और अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कोई भी ऐसी जानकारी जो बच्चे के लिए जरूरी ना हो या स्कूल के लिए मैंडेटरी ना हो, ऐसी जानकारी फॉर्म में लेना स्वाभाविक है, अभिभावकों को एतराज होगा। और जिस तरह से इस फॉर्म में पैन कार्ड, पैन नंबर, आधार नंबर, इस तरह की जो जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं एक शंका जरूर प्रकट करती है। आपने देखा पीछे राष्ट्रीय स्तर पे, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एंटालिका का एक मामला बहुत उछला था जिसमें क्या था, केवल लोगों की जानकारी और उन जानकारियों को यूज करना अपने फायदे के लिए, इस तरह की बातें चर्चा में आती रही। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारी अगर स्कूल के फॉर्म पे ली जाती है तो ये काबिले एतराज है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचने की बात है परवीन अत्रे जी, 100 कॉलम है इसमें और इस पर विपक्ष ने भी सरकार की गलती बताई है कि सरकार की गलती है, लेकिन शिक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि कोई बदलाव उनकी तरफ से नहीं किया गया। देखिए, ऐसा है, हैरानी होती है, सरकारी स्कूल के फॉर्म पे जानकारी ली जा रही है और शिक्षा मंत्री ये बात कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया, तो इससे तो एक चीज और स्पष्ट नजर आती है कि शिक्षा मंत्री जी को पता ही नहीं उनके विभाग में क्या हो रहा है। और अगर ऐसा है, शिक्षा मंत्री जी की जानकारी में, विभाग में जानकारी के बिना अगर विभाग में इस तरह के काम हो रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी को विभाग छोड़ देना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि मैम उनको मंत्री बने रहने का भी अधिकार है। हैरानी इस बात की है कि शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और वहां पे परिवर्तन स्पष्ट नजर आ रहा है, अभिभावक एतराज कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया, विपक्ष भी एतराज जता रहा है और आपकी बात जिस तरीके से हमने सुनी है, लेकिन 100 कॉलम है, अभिभावक एतराज जता रहे हैं, जो कि अब क्या होगा इस पूरे मामले पे देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए डिटेल्स की तो बैंक डिटेल्स भी मांगे गए हैं, पैन समेत कई ऐसी जानकारियां हैं जो इसमें साझा करने की बात सामने आई है।
देखिए बैंक डिटेल मांगने का मुझे समझ में नहीं आता क्या औचित्य है। किसी बच्चे के एडमिशन के लिए अगर आप बैंक डिटेल मांगते हो तो उसका कोई औचित्य कहीं नजर नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है शिक्षा मंत्री जी को जानकारी नहीं है, विभाग में इस तरह के फेरबदल हो रहे हैं, विभाग में इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम शुरू से कहते रहे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह का कम्युनिकेशन का अभाव, समन्वय का अभाव विधायिका में और न्याय जुडिशरी में पहले से आप देख रहे हैं। ये भी उसका एक नमूना नजर आ रहा है। इस तरीके के फॉर्म को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि अभिभावक निश्चित रूप से देखिए अगर अभिभावकों को एतराज है, जानकारी है, आप जो मांग रहे हैं उन जानकारियों का कोई औचित्य नहीं है तो निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। हाँ जी थैंक यू जी। केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से हरियाणा में एडमिशन के लिए जो फॉर्म मिल रहा है, बवाल इस पर लगातार हो रहा है, एवाईएस फॉर्म में 100 कॉलम है, अभिभावक नाराजगी जता रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए ये सरकार जातिवादी सिस्टम पे बिलीव करती है, इसीलिए ये काम कर रही है और ये सरकार को बाज आना चाहिए, लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ स्कूलों के साथ भी खिलवाड़ करना जो है ये बहुत ही एक निंदनीय काम है जो ये सरकार कर रही है, इनको ये इस काम से बाज आना चाहिए। आप ये देखें किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आप अपना इनकम टैक्स का पैन नंबर वो दीजिए, कहाँ से बच्चों के पास क्या सिस्टम होता है, ये कैसी सी बात कर रहे हैं, गरीब भी होते हैं, हर तरह के बच्चे हैं, इस तरह से खिलवाड़ जो जातिवादी कर रहे हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। केवल ढींगरा जी, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है फॉर्म में, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। देखिए ये जो है बड़ा ही दुख दिए सिस्टम है कि ये अनुभवहीन सरकार है, इनको सरकार चलाने का मालूम नहीं कैसे चलती है, ये जिस तरीके से लोगों के ऊपर बेवजह जो उनको परेशान करने का काम कर रही है ये सरकार, ये एक बड़ा ही निंदनीय काम है और अभी जो लोग जनता इस चीज को देख रही है वो वोट की चोट से इनको जवाब देगी, जिस समय टाइम आएगा वोट की चोट से जवाब देगी जनता इनको। केवल ढींगरा जी, आपको क्या लगता है फॉर्म को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि अभिभावक भी नाराज हैं इस एडमिशन फॉर्म से, 100 कॉलम है इसमें, अलग अलग जानकारी इसमें मांगी गई है? बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावक का नाराज होना स्वाभाविक है क्योंकि जो आप बातचीत ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये तरीका ही गलत है, आप अपने आप को थोपने का काम कर रहे हैं, आपने पहले गीता का ज्ञान थोपा, किताबों के अंदर गीता पढ़ाने की बात करी, आपके पास इतनी सारी। केवल ढींगरा जी आप बने रहिए, आपसे और भी चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। तो आपने सुना कि जिस तरीके से अभिभावक लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है राजनेताओं का पहले वो सुनिए। देखिए जो एडमिशन का फॉर्म होता है उसमें एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी था। जैसे हम जब दाखिल हुए तब कद काट के हिसाब से दाखिल कर दिए, भाई 6 साल का हो गई, तो ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई नया फार्म नहीं, जो ऑलरेडी व्यवस्था चली आ रही थी उसी के हिसाब से। और आप जानते हैं भाई बच्चे के माँ बाप की जानकारी, उसका जो पोस्टल एड्रेस है, उसका जो परमानेंट एड्रेस है, वो तो मांगा ही जाता है। नहीं देखिए जाति लिखने से कोई जातिवाद नहीं होता, मान लीजिए मैं गुज्जर हूँ तो इससे कोई जातिवाद नहीं, अगर मैं ऐसा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ करूँ, गुज्जर का पक्ष करूँ, दूसरों के साथ गलत करूँ तो फिर मैं गलत करता हूँ, लेकिन जाति तो सबकी यही है, जाति प्रथा, जाति इस देश में एक सच्चाई है और इसमें मुझे कोई बुराई भी लगती जाति में। ये जो हरियाणा सरकार है ये तुगलकी सरकार है, इस किस्म के आदेश करती हैं जैसे मोहम्मद तुगलक करते थे और उनको वापस लेते हैं। अब ये मैं इसका औचित्य नहीं समझा, 100 के करीब फार्म में 100 के करीब सवाल जवाब पूछ रखे हैं और वो प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू कर रखे हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा, पूरा तो मैंने फार्म नहीं पढ़ा है लेकिन जो मेरे को अखबार के द्वारा जानकारी मिली है ये बहुत अजीब और गरीब फैसला है। और मैं समझता हूँ अपने तजुर्बे के आधार पर, जैसे मैंने कहा तुगलकी सरकार है, इसका भी इनको वापस लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद रामविलास शर्मा जी ने ध्यान से उस फार्म को देखा नहीं होगा, मैं उनसे बात करूंगा कि आप इसको विड्रा करें ताकि लोगों के अंदर बिना मतलब का एक भ्रम पैदा न हो। सिंह चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका खबरें अभी तक में। हेलो वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। जी धन्यवाद।
जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से फॉर्म में 100 कॉलम है, अभिभावकों की अगर माने तो नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, फॉर्म में अगर 100 कॉलम है या उसमें 90 कॉलम है या 70 कॉलम है, इससे किसी अभिभावक के नाराज होने की मैं नहीं समझता कि कोई गुंजाइश है। जब भी कोई आप आवेदन करते हैं, चाहे नियुक्ति के लिए करते हो, चाहे आप दाखिले के लिए करते हो, तो कोई सूचना जो सरकार को या उस संस्थान को जहां आपको आवेदन करना है वो चाहिए होती है, तो वो आपको देनी ही होती है, उसमें किसी की कोई हानि नहीं होती। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने कल ट्वीट करके इस प्रश्न, इस फॉर्म में, इस प्रपत्र में कुछ खामी निकाली है, एक सवाल को लेके उन्होंने हल्ला किया है। वो जो लोग आज इस फॉर्म पर ट्वीट करके हल्ला कर रहे हैं, वे एक गलती कर बैठे हैं। वे ये पता करना भूल गए कि ये फॉर्म वास्तव में लागू कब हुआ था। रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या अभी शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बोल रहे थे, इनको ये याद क्यों नहीं रहा कि वो फॉर्म और वो कॉलम उस फॉर्म में वो मनोहर जी की सरकार या वीरेंद्र सिंह चौहान की पार्टी की सरकार आने के बाद ऐड नहीं हुआ है। 2011 से वो चला आ रहा है, उसमें कुछ, पहली बात तो उसमें कुछ गलत है नहीं। दूसरी बात, अगर ये गलत कह रहे हैं हमारे प्रतिपक्ष के मित्र, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे उनकी पार्टी के कोई प्रवक्ता हो, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तो पहले इनको, अगर ये उसको गलत मानते हैं, तो पहले इनको हाथ जोड़ के हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि गलती इन्होंने की थी। तो वीरेंद्र जी, आपके अनुसार कोई फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है? मैं फिर दोहराता हूँ, मेरी जानकारी, पुख्ता जानकारी ये है कि ये प्रपत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ये पूर्व की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब बड़े चिंतित हो रहे थे अभी आपकी 22 में फॉर्म को लेकर के, उन्हीं के शासनकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की सरकार, उन्हीं की पार्टी के राज में जो चीज लाई गई थी, उसके लिए वो हल्ला कर रहे हैं। उनको दो बात, चलिए वीरेंद्र जी आप बने रहिए, केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। केवल ढींगरा जी, वीरेंद्र चौहान जी को अभी आपने सुना, क्या कहेंगे पूरी बात सुनने के बाद? बात ये है, ये हस्तप्रदय लगता है, 3 साल से इन्होंने इस फॉर्म को चेंज किया, 3 साल पहले फॉर्म दूसरा था, 3 साल हो गए इनकी सरकार को, 3.5 साल हो गए, और 3 साल पहले ये इन्होंने चेंज किया वो फॉर्म, उसके अंदर ये सारी 100 चीजें डाली गई और वो फॉर्म लॉन्च किया गया, और वो फॉर्म अभी तक पूरे नहीं भरे जाते थे, अब इन्होंने पूरे भरवाने के लिए फरमान जारी कर दिया है। ये कैसे, मतलब इनको आपत्ति हर चीज पर होती है, कुछ भी हम काम करना शुरू करते हैं उस पे आपत्ति होती है। फॉर्म पूरे क्यों भरे जा रहे हैं, पंचायतें डिजिटल क्यों हो रही है, अभिभावक की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बोलने का काम क्यों करते हैं, हर चीज पर आपत्ति है साहब आपको, झूठ बोलने का काम क्यों करते हैं आप, ये बताइए पहले। आपको पढ़ी लिखी पंचायतों पर आपत्ति है, आपको पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता पर आपत्ति है, आपको डिजिटाइजेशन पर आपत्ति है। अब आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया जी। चलिए आप बने रहिए, प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, अभी आपने सुना वीरेंद्र सिंह चौहान जी को भी सुना, केवल ढींगरा जी को भी आपने सुना, आप क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को उसका जवाब देना चाहिए, एक एडमिशन फॉर्म पे बदलाव होता है, बदलाव के तहत कुछ नई जानकारियां मांगी जाती हैं, और शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया जी। ये क्या है? लेकिन वीरेंद्र सिंह चौहान से अगर आपने बात सुनी हो तो उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया, और अभिभावक जो नाराज हो रहे हैं, नाराजगी उनकी जायज नहीं है। मंत्री जी ने मान लिया, वीरेंद्र चौहान जी ने नहीं माना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले तो सरकार के आफिसों में और विधायिका में तालमेल नहीं था, अब हैरानी ये हो रही है कि मंत्री जी और प्रवक्ता में तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके तालमेल के अभाव का हरदाना खामियाजा प्रदेश के अभिभावक भुगत रहे हैं, प्रदेश की जनता भुगत रही है। आप भी मानते हैं कि तालमेल की कमी है कहीं ना कहीं? देखिए, मजेदार बात ये है कि हम में कहीं तालमेल की कमी नहीं है, समस्या ये हो रही है कि हमारे प्रतिपक्षियों के पास मुद्दे नहीं है। अभी आपने मंत्री जी की एक फाइट सुनाई शिक्षा मंत्री जी की, और शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं ये कहा है कि ऐसे जानकारियां मांगने का ये कोई नया सिलसिला नहीं है, अब नहीं हुआ है, अनेक वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। उसके बाद भी प्रतिपक्ष के मित्र असली मसले पर आने के बजाय तालमेल का सवाल उठा रहे हैं।
मुझे हैरानी इस बात की है, जानकारियां रेलेवेंट मांगी जाती हैं, रेलेवेंट जानकारी मांगने का मतलब क्या है? अगर आप किसी से उसके एडमिशन के दौरान इररेलेवेंट जानकारी मांगेंगे तो स्वाभाविक है उनको इतराज होगा। और मुझे एक आप और चीज बता दीजिए, जो जानकारी फॉर्म में आप मांग रहे हैं उससे कौन सा पर्पज सॉल्व होने वाला है ये बता दीजिए। आप बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं, आप पैन कार्ड नंबर मांग रहे हैं, आप आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं बच्चे के एडमिशन के लिए, इसकी रेलिवेंसी क्या है एडमिशन के साथ ये तो बताएं। शिक्षा अच्छा क्यों नहीं है रेलिवेंस भैया, कहाँ रहते हैं आप बताइए। बैंक आप अगर डिटेल मांग रहे हैं आप सरकारी बेनिफिट मिलना है सरकारी स्कूल में और आप उसके पैन कार्ड नंबर मांग रहे हैं और आप जो है उसके आधार नंबर बताई जा रही है, अभिभावक भी नाराज बता देता हूँ, सरकार की ही गलती बताई जा रही है। अगर सुनिए सुनिए, अगर अगर किसी प्रपत्र में किसी एडमिशन फॉर्म में बैंक खाते की जानकारी आधार की जानकारी मांग ली गई तो उसमें हमारे इनेलो के मित्रों को परेशानी है। पैन नंबर पैन नंबर की जानकारी सिर्फ इतनी बात नहीं है, पूरे 100 कॉलम है, 100 कॉलम को लेकर ही नाराजगी जाहिर की जा रही है, अभिभावकों को भी नामंजूर है ये। इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है, केवल विपक्ष के पास क्योंकि सवाल नहीं है इसलिए ये बेतुकी बातों पर बवाल करते हैं। केवल ढिंगरा जी, क्या सिर्फ जानबूझकर मुद्दे को उठाया जा रहा है जिस तरीके से वीरेंद्र? देखिए ये सिर्फ ये विपक्ष का सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है। एडमिशन लोगों को लेनी है, स्कूल के अंदर जाके लेनी है और स्कूल में जो 100 चीजें लिखी हुई है अगर वो पूरी नहीं कर पाता तो उसकी एडमिशन रुक जाएगी, उसकी एडमिशन उसको मिलेगी नहीं, इसलिए अभिभावक नाराज है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसे काम कर रहा है। इसको इसको सोचना चाहिए पहले खोलने से कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसको इन अगर आवाज उठाता है विपक्ष तो इनको ये समझना चाहिए कि हम जो है सोल्यूशन करें किसी काम का, उनको उलझाए नहीं। और ये काम ये सरकार सिर्फ उलझाने का काम कर रही है, सोल्यूशन किसी आदमी का नहीं कर रही। इसलिए अभिभावक जो है प्रवीण अत्र जी का कहना है कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, क्या लगता है तालमेल की कमी है ये? बिल्कुल तालमेल की कमी है, एजुकेशन मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं और वीरेंद्र चौहान जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है जो कि जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है वही मैंने कहा है, दोनों में कहीं ढिंगड़ा जी कोई तालमेल की कमी नहीं है। हाँ एक समस्या जरूर है, आप लोगों के राज्य में जो तालमेल होता था हमने वो बंद कर दिया। चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका खबर अभी तक में। जी धन्यवाद गीता जी, पूरा बवाल आपको बता दे, जिस तरीके से फॉर्म को लेकर बवाल हो रहा है, राजनीति भी लगातार गरमा रही है, अभिभावक नजर आ रहे हैं, 100 कॉलम का ये फॉर्म है इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है और शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मेरा तो यही कहना है कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन दी जाए चाहे पब्लिक या प्राइवेट में। अगर हम प्राइवेट में भी बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उसका भी थोड़ा सरलीकरण तो होना चाहिए, लेकिन उनको भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फुलफिल करने चाहिए ताकि वहां पर एडमिशन लेने वाले बच्चों के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। जैसा आप बता रहे हैं कि 100 कॉलम का फॉर्म है तो क्या एक गरीब या कम पढ़ा लिखा अभिभावक उसको भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा? और वैसे भी हालत तो प्रदेश में ये है कि शिक्षा मंत्री जी की बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे नहीं बन रही है। इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो है शिक्षा के मामले में जारी करनी चाहिए, किसी प्रकार की कम से कम शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि शिक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है, क्योंकि सरकार की ही गलती विपक्ष भी यहाँ पर निकाल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री का खुद यानी रामविलास शर्मा जी का खुद कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है? देखिए उनको तो हो सकता है कि उनकी जानकारी के बिना ही कोई इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी कर दी गई हो, जबकि क्योंकि इस विभाग में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जब से सरकार बनी है मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी कुछ कहते हैं, इनके ऑफिसर्स कुछ कहते हैं, चाहे वो आजकल हायर एजुकेशन काउंसिल या वाइस चांसलर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं उनका मामला हो, आज प्राइवेट स्कूल्स का मामला है, 134A के तहत एडमिशंस का मामला, अभिभावक इतने ज्यादा परेशान है और यहाँ तक आरटी के तहत जिस तरीके से खुद आपने कहा मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहते हैं, तो क्या आपको भी लगता है कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है? देखिए तालमेल की तो बिल्कुल कमी है, कम से कम शिक्षा को तो इनको गंभीरता से लेना चाहिए। हमने विधानसभा में भी कहा, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए विशेष तौर से कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए ताकि बच्चे चाहे सरकारी में पढ़ें, प्राइवेट पब्लिक सेंट्रल स्कूल किसी में भी पढ़ें, पेरेंट्स इंश्योर कर लें कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ पे प्रॉपर हैं और दूसरा जहाँ उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर ये इस तरह का फॉर्म है और उसमें कॉलम इस तरह के हैं कि पेरेंट्स को शर्मिंदगी, देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है,
अगर क्या आवश्यकता पड़ी है बिल्कुल कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं तालमेल की भी बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया गीता जी जुड़ने के लिए, प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सभी को, सबने अपनी अपना 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 पक्ष रखा, अपनी अपनी राय बताई, लेकिन सरकार को सीधे तौर पर विपक्ष भी घेरता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं तालमेल की भी कमी बताई जा रही है। लेकिन बात अगर अभिभावकों की जाए तो 100 कॉलम है जिसे लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।